हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ दोस्तों इस प्रकार होती है। सबसे पहले मैं निकलता हूं घर से, अपनी गाड़ी को उठाता हूं। ये देखिए, ये है मेरी गाड़ी। उसके बाद हम लोग निकलते हैं और ये आ चुका हूं मैं मंगलवारे में अपने दोस्त के साथ। हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं आप मंगलवारे में। अब यहाँ पर प्रसिद्ध भांग है, जो कि उज्जैन की प्रसिद्ध भांग है, वो भांग हम पीने वाले हैं। देख सकते हैं आप, ये भांग मिल रही है। काफ़ी टाइम के बाद मुझे फिर मिल गई भांग, काफ़ी तेज़ भांग थी। बाकी ये देखिए, मैं खुश हो चुका हूँ, ये पी के मज़ा आ गया। बस बस चढ़ने वाली है बस अब। ये देखिए, मेरे दोनों दोस्तों भी पी के आ चुके हैं, ये लेके आ चुके हैं मेरे दोनों दोस्त, देख सकते हैं आप। बटेश्वर बाबा की सवारी आ रही थी, देख सकते हैं आप, काफी अच्छा लगा था देख के। दोस्तों, बारात निकल जाने के बाद में प्रसाद वितरण हुआ था, जिसमें कि साबूदाने की खिचड़ी थी, तो वो मैंने फिर ट्राई करी। काफ़ी अच्छी साबूदाने की खिचड़ी थी खाने के बाद, और मज़ा आया। फिर उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकले, फिर उसके बाद हम अपने घर के पास वाली बारात में शामिल हुए। सबसे पहले तो हमने गए स्टेज के पास, फिर मैं लेके आया चंदन, फिर उसके बाद हम लोगों ने तिलक लगाना शुरू करा लोगों का। ये देख सकते हैं, एक दोस्त ये है, एक दोस्त ये, दोनों मिलके टीका लगा रहे थे। ये अपने मस्त देख सकते हैं आप इस समय। ये देखिए, अब देख रहा है, हंस रहा है। ये देखिए, अब ये टीका लगा रहे हैं। ये देखिए, कितने छोटे से बच्चे को टीका लगा रहे हैं। देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद देखिए, जैसे जैसे हम लोग टीका लगा रहे थे तो भीड़ बढ़ते जा रही थी। देख सकते हैं आप किस प्रकार से भीड़ बढ़ते ही जा रही है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ऐसा हो गया था कि भीड़ कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। फिर प्रसाद वितरण का भी हो रहा था, तो हम लोग को फिर उसको थोड़ा रोकना पड़ा और फिर भीड़ को बोलना पड़ा कि अब बाद में लगाएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये राम भगवान की झांकी जो कि अयोध्या में हुई है, उसकी उसी तरीके की विराजमान है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, भूत हैं जो कि शिव बारात में आते हैं हमारे यहाँ। और ये दोस्तों देख सकते हैं, दोस्तों का पूरा डांस, कितने मज़े ले रहे हैं, अच्छे से मस्त सबके सब। डीजे पे भी आप भीड़ देख सकते हैं शिव जी की बारात में। देखिए दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों, ये राम है और मेरे दोस्त। उसके बाद में दोस्तों, हम लोगों ने भूत को पिलाया गन्ने का जूस, देख सकते हैं दोस्तों आप। बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि ये क्योंकि हो क्या रहा था दोस्तों, लोग भूतों के साथ में दूसरे लोग भी आए जा रहे थे, तो देख सकते हैं आप, मेरा दोस्त ही लेके आया है कि भूत को गन्ने का जूस पिलाने का। तो फिर बहुत मुश्किल के बाद गन्ने के जूस के दुकान वाले ने भी जूस दिया। फिर हमने मंदिर में दर्शन करे शंकर जी के, क्योंकि सुबह के टाइम ज़्यादा भीड़ थी, रात के टाइम थोड़ा दर्शन करने को मिल गया। सुबह तो दर्शन करना ही मुश्किल बात हो रही थी, इसलिए फिर हम लोगों ने रात में दर्शन करे शिव जी के। फिर दर्शन करने के बाद हम लोगों ने स्टेज पे गए और उसके बाद प्रसाद वितरण करा। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ हो रही है प्रसाद वितरण में, सभी को प्रसाद वितरण मिल रहा है। ये देखिए दोस्तों, भीड़ देख सकते हैं आप कितनी सारी आते ही जा रही है, कंट्रोल में ही नहीं थी भीड़। इतनी सारी भीड़ हो रही थी दोस्तों कि कंट्रोल से बाहर जाते जा रही थी। बहुत मुश्किल के बाद फिर हम लोगों ने प्रसाद वितरण हमारा एंड हुआ। फिर हम लोग दूसरी बारात में गए, जो कि 80 फीट पर निकल रही थी, जो कि आशीष भैया निकलवा रहे थे चार बार से। उसमें आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। भोपाल के टॉप के डीजे थे, एक नटराज डीजे, एसएच डीजे और क्रेजी लाइट, तीनों डीजे ने खूब गर्मी करी और लोग भी बहुत सारे थे और काफ़ी मज़ा आया इस बारात में भी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।